मैं कृष्ण गोविंद नंदलाल कान्हा, बहुत से नाम और बहुत सी पहचान है मेरी, पर ये कहानी मेरे बारे में नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि मैं चाहता तो महाभारत को होने से रोक सकता था। मनुष्य ये क्यों भूल जाता है कि उसका कर्मा ही उसका जीवन तय करता है? क्या हुआ, यकीन नहीं आता? तो चलिए कुछ दिखाता हूं। हेलो, प्रणाम अम्मा जी। आपको पता है पापा ने क्या किया? मरने से पहले उनको पता नहीं अच्छाई करने का कौन सा भूत सवार था। जो प्रॉपर्टी, जो बिजनेस सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, उसे मेरे मरे हुए चाचा के महान बेटे युद्धन के बीच में आधा आधा बांट दिया है। आपको पता है, आपको पता है ना उसकी बीवी ने मुझे क्या बोला था? लूजर, मुझे बिजनेस करने नहीं आता है। मन तो करता है मैं दोनों को क्या, आप मुझे समझा रहे? गो टू हेल। योधान, मुझे कल फिर वही सपना आया महाभारत के समय। मैं द्रौपदी और द्रौपदी के साथ जो हुआ बतलायो एंड ऑल। एनीवेज, मैं गलती नहीं करना चाहती। इनपे भी दुर्वर्णा मतलब प्रोफेसर माफी मांगना चाहती हूँ। पता नहीं है महाभारत के सपने हम दोनों का पीछा कब छोड़ेंगे, पर चलो एटलीस्ट तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ। शायद हम दोनों भाइयों की दूरियां कुछ कम हो जाए। मैंने तो हमेशा से उसको अपने सगे भाई की तरह प्यार किया है। वो क्यों नहीं समझता कि मुझे उसके हिस्से में कोई इंटरेस्ट नहीं है? एनीवेज, कल दिवाली है, चाहे लालच की वजह से ही सही, वो जुआ खेलने तो आएगा ही, तब बात कर लेंगे। आज फिर वही सपना, महाभारत, मैं युधिष्ठिर, और मैं जुए में सब हार गया। क्या हुआ योद्धन आज तुझे? Why are you acting like a coward? आज से मैंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। ये छोड़ो, बैठो यहाँ पे, तुमने आज बहुत पी रखी है। चल साले फट्टू, मुझे तो तेरे से बात ही नहीं करनी है। दूरवी, प्लीज प्लीज गुस्सा मत हो, बैठो, मुझे और योद्धा को तुमसे कुछ बात करनी है। तू मुझे सिखाएगी हा? मुझे, यू ब्लेडी बिच। दूरवी, बिहेव योरसेल्फ। भाभी, योद्धा, मुझे डॉक्टर ने बताया कैसे आप लोगों ने मेरी जान बचाई, और मैं आप लोग को ही मारना चाहता था जी। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर देना योद्धन, माफ कर देना मुझे। दूरवी, आई एम सॉरी, मुझे कभी भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता था। शायद उस वजह से भी तो मुझसे अपसेट थे। दूरवी, तुमने इतनी पी रखी थी, और जब तुम गुस्से में घर से निकले तो हमने तुम्हें फॉलो भी किया, और रास्ते में योर कार वाज कंप्लीटली क्रैश्ड। तो बात कुछ समझ में आई? मनुष्य का कर्मा ही उसका सबसे बड़ा धर्म है। ये कर्मा है ना, साइकिल के पहिए की तरह घूम के वापस आता है। मैं हर मनुष्य को उसकी गलती सुधारने का एक अवसर अवश्य देता, फिर मैं चाहे भगवान बनकर हूं, आत्मा बनकर, या फिर उसकी जिंदगी में सपनों में आकर, डॉक्टर बनकर, या जरूरत पड़े तो एक छोटा सा हादसा, एक्सीडेंट करवाकर। कुछ समझे?